हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आज हम आपको संविधान से संबंधित जीएस के बारे में बता रहे हैं। यह जीएस आपकी हर परीक्षा के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य हो या न हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए संविधान की जानकारी अति आवश्यक है। देखिए संविधान में कैसे क्या होता, उसी के बारे में हम बता रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ संविधान सभा, संविधान यानी जो भारतीय संविधान के भाग 20, भारतीय संविधान के किस भाग में, भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तीन प्रकार से होता है। अब देखिए सवाल यहाँ उत्पन्न होता है, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के 20वें भाग के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, लेकिन संशोधन तीन प्रकार से होता है। यह संशोधन कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है। पहला संशोधन क्या है? पहला साधारण बहुमत द्वारा, यानी संसद के द्वारा ही संशोधन किया जाता संविधान में। पहला है साधारण बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? साधारण बहुमत द्वारा। दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा आधे से अधिक राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, अगर मान लीजिए लोकसभा विधानसभा के सदस्य सहमत नहीं हैं, तो आधे से अधिक, जैसे हमारे पास 28 राज्य हैं, 28 राज्य में आधे से अधिक यानी 14 से अधिक राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, 14 से अधिक विधानसभाएं अगर किसी भी नियम को बदलना चाहती हैं, तो विशेष परिस्थितियों में वह संसद को लिख करके भेज दें, अपनी सदन से पास करा करके लिख कर भेज दें, तो भी संविधान में संशोधन हो सकता है। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा राज्यसभा के आधे से अधिक विधानसभाओं द्वारा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, संसद के पास संशोधन की शक्ति है। संविधान में संशोधन सिर्फ संसद ही करती है। यह शक्ति किसके पास मौजूद है? संविधान में संशोधन की शक्ति संसद के पास मौजूद है। किसी भी सदन में पेश किया जा सकता संविधान संशोधन, किसी भी सदन में, यानी ऊँचला सदन राज्यसभा है, निचला सदन लोकसभा है, और राज्यसभा कभी भंग ना होने वाला है। राज्यसभा के जो 250 सदस्य चुने जाते हैं, वह 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जिन्हें जनप्रतिनिधि बोलते हैं, और राज्यसभा के सदस्य इनडायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यानी प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य हर दूसरे साल 1/3 सदस्यों का चयन किया जाता है, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो दो सभाएं चलती हैं। हमारे यहाँ संयुक्त बैठक द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाकर संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह संशोधन चाहे राज्यसभा में पास हो या लोकसभा में पास हो, अलग अलग पास हो। अब देखिए आगे दिया हुआ, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा में कुल 545 सदस्य इसमें चुन कर जाते हैं। सीटें 554 हैं, लेकिन सदस्यों का चयन 545 पर होता है, और यह 2026 तक स्थिर रहेंगी। 2026 के बाद परसीमन होगा, उस परसीमन के बाद घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। राज्यसभा की सीटें 250 सदस्यों के लिए हैं। कितनी हैं? उचले सदन की सीटें 250 सदस्यों के लिए हैं, और यह भी 226 तक स्थिर रहेंगी। देखिए आज तक कुल जो संविधान में आज तक कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। सीएए 2021 में जो संशोधन हुआ सीएए के लिए, वह 105वां संशोधन था, वह 2021 में पास किया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकारें ओबीसी की सूची बना सकती हैं। जो 105वां संशोधन पास हुआ, उसमें राज्यसभा को अधिकार दिया गया कि वो अपने ओबीसी के लिए सूची बना सकती हैं और उनकी जातियों को तय कर सकती हैं कि कौन ओबीसी में होगा। 104वां संशोधन,
देखिए 10 दिसंबर 2019 को एससी एसटी के आरक्षण से संबंधित पारित हुआ, 105 में सीएए और ओबीसी के बाबत था, 104 में 10 दिसंबर 2019 को एससी एसटी के आरक्षण के लिए था। यह आरक्षण 80 वर्ष के लिए यानी 2030 तक के लिए अनुच्छेद यह 80 वर्ष के लिए यानी 2030 आज़ादी से 80 वर्ष के लिए 2030 तक के लिए विधि मान्य है। और अनुसूचित जाति एक्ट का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 335 में है। अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए जो प्रावधान है वह 334 में है। अब देखिए 334 में है, 35 में अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जाति आयोग के बारे में दिया गया है। यहाँ लिखा है लोकसभा व विधानसभा में एंग्लो इंडियन, जो विदेशी लोग एंग्लो इंडियन संसद चुने जाते थे, मनोनयन किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, उनके मनोनयन को हटा दिया गया यानी निरस्त कर दिया गया। अब विदेशी सदस्य को मनोनयन नहीं होगा। 124वां विधेयक 9 जनवरी 2019 को 103वां संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया। 103वां संविधान संशोधन 9 जनवरी 2019 को 124वां विधेयक के रूप में पास हुआ, जिसमें सामान्य वर्ग यानी फॉरवर्डों के लिए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देना होगा। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये EWS जिन्हें बोलते हैं EWS फॉरवर्ड यानी सामान्य वर्ग के लिए भी जारी हो गया है। अनुच्छेद 15(6) में व अनुच्छेद 16(6) में संशोधन करके EWS बनाया जा रहा है। 124वां विधेयक द्वारा 9 जनवरी 2019 को 103वां संशोधन द्वारा EWS जारी कर दिया गया। अब देखिए 102वां संशोधन 123वां विधेयक था, 102वां संविधान संशोधन था, 123वां विधेयक था, 8 अगस्त 2018 को पास किया गया। और 8 अगस्त 2018 के अनुसार अनुच्छेद 338 व 366 में संशोधन किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलेगा। अब क्या हुआ, जो 102वां संविधान संशोधन था, 123वां विधेयक था 8 अगस्त 2018 के अनुसार, अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया है। और अनुच्छेद 338 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा, 366 में संशोधन किया गया है। अब देखिए विधेयक 122वां विधेयक 8 अगस्त 2016 को पास किया गया, लेकिन यह संविधान का 101वां संशोधन था, जिसमें GST गुड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह संसद द्वारा 101वां संविधान संशोधन 122वां विधेयक 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। देखिए यहाँ पर जो दिया गया 102 संशोधन 123वां विधेयक 8 अगस्त 2018 को पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा के रूप में मिला, अनुच्छेद 338 व 366 में संशोधन किया गया, विधेयक 122वां 2016 को 101वां संविधान संशोधन GST गुड सर्विस टैक्स के रूप में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। अब यह GST हर व्यापारी हर कंपनी को देना होता है। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ, 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश की परिसीमा का निर्धारण भारत के 111 परिक्षेत्र यानी भारत के 111 परिक्षेत्र 17,160 एकड़ भारत को देना पड़ा, और भारत से बांग्लादेश 51 परिक्षेत्र यानी 7110 एकड़ प्राप्त हुआ। हम 17,160 एकड़ बांग्लादेश को दिए, 7110 एकड़ प्राप्त किए। यह संविधान संशोधन 2016 में पास हुआ। यह भारत बांग्लादेश के परिसीमा विवाद को हल करने के लिए किया गया, जिसमें भारत ज़्यादा जमीन दिया कम जमीन अर्जित किया, और इसी विधेयक के द्वारा यह विवाद समाप्त किया गया। यह वीडियो ही समाप्त होती है दोस्तों। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब से आपके पैसे नहीं कटते हैं।